दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज के नीमच मंडी के कृषि बाजार वास्तविक बाजार देखने के लिए आप चैनल पर देख सकते हैं। और वास्तविक बाजार 300 से 500 रुपये देशी लहसुन तेज देखने को मिला और लेवाली जोरदार देखने को मिली। मोटे मालों में तो जो एक नंबर के माल है जो 11,000 से 12,000 के बीच बिके हैं आज, उनमें तो 500 रुपये पक्का तेज देखने को मिला। बाकी मालों में अपन 300 रुपये तो तेज कह ही सकते हैं। वास्तविकता के बाजार पोस्ते में लगभग 2 से 3,000 रुपये की मध्यवाड़ा देखने को मिला और बाजार नरम देखने को मिला है। और बात करते हैं दोस्तों, आज सारे बाजार लाल निशान के साथ रहे। सभी बाजारों में मंदी की चपेट रही है क्योंकि आज बम्पर आवक का कारण था। 1 सितंबर से कैश पेमेंट बंद हो रहा है जिसका असर देखने को मिल रहा है मार्केट में, और सारे बाजार पे एक तरह से मंदी देखने को मिली। आज सारी जिनसे लगभग नरम ही है, लहसुन को छोड़ के चना भी नरम है। डॉलर चना बल्कि जरूर कुछ 100 रुपये ठीक रहा। कलौंजी में गिरावट का जोर जारी है, 300 से 500 आज भी मद्दा है। गेहूँ भी मद्दा है और कुछ सोयाबीन ठीक रही क्योंकि फसलों को नुकसान की खबरों से सोयाबीन के बाजार में तेजी रही। पूरी रिपोर्ट देखते हैं विश्वसनीयता के साथ। और कल और परसों सोमवार को गणेश चतुर्थी का नीमच मंडी में अवकाश रहेगा। किसान भाइयों से निवेदन है अब अपनी उपज मंगलवार को ही लाएँ और बैंक की पासबुक को साथ में लेकर आएँ। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों आज 31 अगस्त का दिन, और बात करते हैं मूंग 1,56,000 रुपये बिका बढ़िया माल। और तुअर की बात करें 4744 ऊपर में, बढ़िया माल 4,300 से 4,500, एवरेज माल 4,155 से 4,179, नीचे में 2,855 से 3,856 तक बिके। 50 बोरी आवक और बाजार लगभग समान रहा। दोस्तों लहसुन में लेवाली मोटे मालों में बड़ी ज़बरदस्त, तो देशी माल 13,200 रुपये तक बिका और रियावन माल 12,731, रियावन मोटे माल 11,000 रुपये से लगाकर 12,502 तक काफ़ी ढेर बिके, 11,000 से 502 के बीच। और देशी वाले मोटे माल 11,000 से 12,000 रुपये तक बिक रहे हैं। फुल गोला बढ़िया माल मोटा 9,800 से 10,800, लड्डू मोटा माल 8,800 से 10,000, 15,000 बोरी आवक, बाजार लगभग 300 से 500 तेज। और एक नंबर माल में, एक नंबर मोटे मालों में बाजार 500 रुपये तक पक्का तेज देखने को मिला है। 12,731 रुपये रियावन दिखा है नीमच में, और भाई साहब का माल है 12,731। दोस्तों छोटे 13,100 ऊपर में देशी लहसुन, एवरेज लड्डू माल जो है जिसमें पूना लड्डू मिक्स है, और 7,500 से 8,500, कली का माल 5,000 से 7,700 तक, ठोस मीडियम 6,600 से 7,200 रुपये, बेस्ट मीडियम 5,800 से 6,400 रुपये, और जो एवरेज मीडियम है वो 5,000 से 5,600, सेंटेड माल 4,500 से 7,000, और फूड क्वालिटी 4,000 से 6,000 रुपये। कुछ फूड नीचे में 2,500 बिके हैं मगर उनको गिन नहीं सकते, बहुत कम लॉट है। आवक 15,000 बोली, बाजार लगभग 300 रुपये तक तेज कह सकते हैं अपन। छोटे मालों में, एवरेज लड्डू मालों में पक्का 300 तेज, कली मालों में तेज, मीडियम मालों में 2-3 रुपये तेज, लगभग 3 रुपये के आसपास बाजार तेज देखने को मिला वास्तविकता के बाजार। दोस्तों G2 लहसुन आज इतनी आवक देखने को नहीं मिली, और 11,950 तक ही हमने देखा था। बाकी मोटे माल 10,500 से 11,500 कुछ, और लड्डू माल 9,500 से 10,500, मीडियम लड्डू मिक्स 6,500 से 8,500। G2 की आवाज़ आज कम देखने को मिली, और ऊँटी मालों के आओगे तो बिल्कुल ही नहीं के बराबर देखने को मिल रही है। कलौंजी में मद्दी का दौर जारी, ऊपर में 10,500 रुपये कलौंजी बिकी, बढ़िया माल 10,300 से 10,440, एवरेज बेस्ट माल 9,700 से 10,100 रुपये, और जो एवरेज क्वालिटी 8,800 से 9,300 रुपये। आवक 1,000 बोरी की रही, बाजार 300 से 500 रुपये नरम रहा, पक्के बाजार 300 से 500 मध्य रहे। दोस्तों ऊँटी फर्स्ट क्वालिटी का यदि बिचवारा आपको चाहिए तो मिलने का स्थान है अजय जी धाकड़ साहब का, ये मोबाइल नंबर है, काफ़ी वाजिब दाम पे आपको उपलब्ध करा रहे हैं। यदि भाव ज़्यादा लेते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आपने कहा तक कम भाव पे देने का कृषि बाजार को। बात करते हैं दोस्तों इसबगोल में, बात करें इसबगोल ऊपर में 8,850 बिका, बढ़िया माल 8,500 से 8,700, सेमी पैकेट माल 8,200 से 8,500, एवरेज क्वालिटी 8,000 से 8,300, 500 बोरी आवक, बाजार 100 रुपये तेज रहा, नीचे में 7,600 से 7,900 तक भी बिका है। दोस्तों धनिया में कोई दम देखने को नहीं मिल रहा, ऊपर में 62 रुपये, बढ़िया माल 5,800 से 5,100 रुपये, ईगल माल 5,300 से 5,650 रुपये, बदामी माल 4,900 से 5,200 रुपये, एवरेज माल 4,300 से 4,800 रुपये, 1,800 बोरी आवक देखने को मिली और बाजार लगभग 100 रुपये नरम देखने को मिला। लेवाली में दम बिल्कुल भी नहीं धनिया के अंतर्गत, तो धनिया अजवाइन में बाजारों में कोई विशेष दम देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। बात करते हैं मेथा ऊपर में 5,500 बिका, एवरेज माल 4,000 से 4,150, पीला माल 4,200 से 4,400, कलर वाला पीला माल 4,300 से 4,450, मोटे में मोटा माल 4,400 से 4,600, और स्पेशल माल 4,700 से 5,200, पुराना माल 3,700 से 3,950, हल्के माल 3,200 से 3,700, आवक लगभग 2,500 बोरी गिरी और बाजार लगभग 50 रुपये नरम देखने को मिला, और लेवाली कमज़ोर देखने को मिली मेथी के अंतर्गत। अजवाइन में बात करें तो दोस्तों कल भारी मद्दा था, आज भी कुछ मालों में बाजार नरम है। ऊपर में 12,700 बिका, एकदम ग्रीन मोटे माल तो नहीं थे, एवरेज माल 10,000 से 11,000, और मोटे ग्रीन माल जो 11
8500 से 13500 के भाव हुए, एकदम मोटे माल आवक नहीं थी। देशी माल 8500 से 9300, देशी एवरेज 7500 से 8500, लाल माल 8500 से 9000, चालू माल 7500 से 8000। आवक 500 बोरी की रही, वो बाजार कुछ भी नरम ही है, जोश तो बिल्कुल भी नहीं है कहीं से कहीं तक। अजवाइन और धनिया में हालत बिल्कुल ख़राब है, बाजारों की और कलौंजी में, तीनों में बाजार हाल फिलहाल तो मंदी की चपेट में नज़र आ रहे हैं। और बात करते हैं दोस्तों चने की, विशाल चना 3750 से 3850 रुपये तक, कांटा चना बढ़िया 3700 से 3750 रुपये, एवरेज माल 3600 से 3700 रुपये, चालू माल 3300 से 3550, डंकी शंकी माल। आवक रही लगभग 800 बोरी की और बाजार रहा लगभग 50 रुपये नरम, तो चने में भी गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों लगभग आज बाज़ारों में गिरावट का रुख रहा लहसुन को छोड़कर, लहसुन में ही कुछ बाज़ारों में 21-55 रहा। और बात करते हैं दोस्तों मसूर की, ऊपर में बारीक तो 4019 और मोटी बढ़िया बारीक 3900 से 4019, मोटी 3800 से 3850, एवरेज माल 3750 से 3800, चालू माल नीचे में 3300 से 3500, सौ बोरी आवक बाजार 50 रुपये नरम देखने को मिला। दोस्तों डालर चना ऊपर में 5201 रुपये बिका, बढ़िया माल 4800 से 5100 रुपये, एवरेज माल 4300 रुपये से लगाकर 4600 रुपये, चालू माल 3400 से 3800 रुपये, 800 बोरी आवक रही और बाजार लगभग 100 रुपये तेज देखने को मिला डालर चने में। लगभग दलहन मध्य में था, मगर डालर चने ने कुछ लाज रखी, कुछ बाजार बढ़िया मालों में अच्छा देखने को मिला और हल्के में नरम रहा। सोयाबीन 3785 ऊपर में बिका, बढ़िया माल 3750 से 3775, मीडियम किस्म का माल 3680 से 3725, चालू किस्म का माल 3550 से 3650, 7500 बोरी आवक रही और बाजार लगभग 50 रुपये तेज रहा, ले वाली कुछ भी अच्छी थी और जोशीली देखने को मिली है। और बात करते हैं दोस्तों अलसी की, तो अलसी ऊपर में 4660 रुपये बिकी, बढ़िया माल 4570 से 4625, एवरेज माल 4500 से 4550, चालू माल 4200 से 4450, 400 बोरी आवक रही, बाजार 50 रुपये नरम रहा। कुल मिलाकर आज सारे बाजार लाल निशान के साथ देखने को मिले हैं, क्योंकि आवके पूरी जिंसों की मंडियों में सभी जिंसों की बढ़िया। दोस्तों रायड़ा ऊपर में 3611 रुपये बिका, बढ़िया माल 3580 से 3611, किराना क्वालिटी सेकंड बेस्ट माल 3500 से 3550, एवरेज माल 3350 से 3450, 800 बोरी आवक रही, बाजार लगभग 50 रुपये नरम रहा, ले वाली सुस्त रही। तो दोस्तों कल भी बाजार मद्दा था, आज भी मद्दा, दो दिन से लगातार रायड़े में गिरावट देखने को नज़र आ रही है। और बात करते हैं मित्रों मूँगफली की, ऊपर में 5800 रुपये बिकी, बढ़िया माल 5500 रुपये से लगाकर 5700 रुपये, एवरेज माल 5000 रुपये से लगाकर 5300 रुपये, और चालू माल 4700 से 5000, 100 रुपये आज भी बाजार नरम रहा, बाजार आवक 400 बोरी की देखने को मिली है। दोस्तों तारा मीरा ऊपर में 3571 रुपये बिकी, बढ़िया माल 3550 से 3561, एवरेज किस्म का माल 3450 से 3500, 40 बोरी आवक रही और बाजार लगभग 50 रुपये नरम देखने को मिला तारा मीरा में भी। और बात करते हैं दोस्तों प्याज की, 2551 ऊपर में, मोटे माल 2300 से 2500, एवरेज मोटे 1700 से 2200, छोटे माल 1200 से 1700, 300 बोरी आवक बाजार समान ही देखने को मिला। जो 1840 रुपये ऊपर में बिका, बढ़िया माल 1830 से 1840, एवरेज किस्म का माल 1800 से 1825, बाजार में कुछ भी नरमाटी है, 5-1 रुपये का नरम कह सकते हैं, और आवक रही 150 बोरी की, तो बाजार में जोश कम ही देखने को मिला सारे। तो सारे कमोडिटी बाजार में कुछ गिरावट का रुख रहा आज सारे एग्री कमोडिटी बाजारों में। दोस्तों मक्का की बात करें, 2140 रुपये बिकी ऊपर में, बाकी बढ़िया मालों की आवक नहीं थी, और एवरेज माल जो 2050 से 2080 बिके सारी मंडी में लगभग, और चालू डंकी संख्या 1800 से 1850 के बाजार है, 150 बोरी आवक देखने को मिली और बाजार लगभग समान ही देखने को मिला, कोई तीसरे तेजी मंदी देखने को नहीं मिली है। दोस्तों उड़द ऊपर में 4700 रुपये बिका, बढ़िया माल 4500 से 4600, मीडियम माल 4400 से 4000 से 4200, एवरेज माल 3400 से 3700, हल्का माल 2700 से 3200, 300 बोरी आवक रही, बाजार समान रहा। ऊपर में 4700 रुपये पूरे 4700 रुपये बिका और बाजार लगभग समान ही रहा और आवक रही 300 बोरी की आज। दोस्तों पोस्ता ऊपर में 103500 बिका, बढ़िया माल 97000 से 102500, बेस्ट टीनोपाल माल 1,00,000 से 102500, और सेमी टीनोपाल 97000 से 99000, एवरेज माल 91000 से 96000, चालू माल 80000 से 87000, 500 बोरी आवक, बाजार 2 से 3000 रुपये नरम रहा। सुबह बाजार 1000-2000 रुपये नरम था, और भी दोपहर में बाजार 3000 के आसपास और नरम है, तो कुल मिलाकर बाजार 3000 तो पक्का नरम है, और कुछ मालों में तो ज़्यादा भी नरम कह सकते हैं, अब भी दोपहर के हिसाब से, सुबह के हिसाब से नहीं, तो बाजार लगभग 3000 रुपये के आसपास नरम देखने को मिला है। और बात करते हैं दोस्तों गेहूँ ऊपर में 2175 बिका, सुपर माल 2100 से 2175, बढ़िया बेस्ट माल 2080 से 2100, एवरेज क्वालिटी का माल 2000 से 2050, मिल क्वालिटी का जो बेस्ट माल आता है 1985 से 1995 रुपये,
और जो मिल्क क्वालिटी का हल्का लस्टर्ड क्वालिटी आता है बिल्कुल हल्का माल 1960 से 1980, मालवराज 1970 से 2025 रुपये तक, 13,000 बोरी की आवक रही, बाजार 10 रुपये से लगाकर 15 रुपये नरम रहा। लेवाली कमजोर देखने को मिली है, 13,000 की बंपर आवक देखने को मिली है। तुलसी बीज 10,301 थे, जरूर ऊपर में बिका, बाकी बढ़िया माल 9,800 से 10,000, एवरेज बेस्ट 9,300 से 9,500 और एवरेज क्वालिटी 8,800 से 9,200, 50 बोरी आवक रही, बाजार 300 रुपये नरम रहा, लगभग 88 से 93 की रेंज है। और बात करते हैं दोस्तों अश्वगंधा की, तो अश्वगंधा 21,000 रुपये में बिका, बढ़िया माल 19,000 रुपये से लगाकर 21,000 रुपये, साफ माल मीडियम माल 15,000 से 18,000 रुपये, एवरेज क्वालिटी का माल 10,000 से 13,000 रुपये, चालू माल 6,500 से 9,000 रुपये, 200 बोरी आवक देखने को मिली और बाजार लगभग समान ही है और जोश कम है, कुछ भी 500 रुपये नरम भी कह सकते हैं। दोस्तों तिल्ली की बात करें तो तिल्ली 10,600 रुपये में बिकी और बढ़िया माल 10,300 रुपये से लगाकर 10,400 रुपये, मीडियम माल 10,000 से 10,200 रुपये, एवरेज माल 9,500 से 10,000, और आवक रही लगभग 100 बोरी की और बाजार रहा लगभग 200 रुपये नरम। तो तिल्ली में भी गिरावट देखने को मिली, तिल्ली के बाजार भी मंदा ही रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के कृषि बाजार नीमच मंडी के, वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं दीपक इजाज़त लेता हूँ, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।